हाय दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा लीनियर सिस्टम इक्वेशन में से एलयू डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो एलयू डीकम्पोजिशन आखिर होता है क्या है, इसका वर्किंग रूल क्या है और इसको हम क्यों निकालते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर से हम शुरुआत करते हैं कि इसके वर्किंग क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम एक लेट मान लेते हैं, लेट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यहां पर हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मान लिए हैं। क्या है मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, इसी फॉर्म में जो है हमको एलयू डीकम्पोजिशन निकालना है। ठीक है, मेन जो इसका इक्वेशन है वो ये है। अब इसमें हमको फाइंड आउट क्या करना रहता है, ए तो हमको क्वेश्चन में दिया होगा, बी भी क्वेश्चन में दिया होगा, फाइंड आउट हमको मेन ये एक्स करना है। ठीक है, तो इसी एक्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एक्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसी मेथड को, इसी एक्स निकालने के मेथड को जो है हम लोग एलयू डीकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो वेयर एक्स इक्वल टू जो होता है मेरा वो एक्स वाई एंड जेड होता है। ठीक है, अब यहां पर बात आ गई कि हमको तो पता चल गया कि हमको निकालना है क्या, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एलयू मेथड, एलयू डीकम्पोजिशन मेथड से निकालना है, तो आखिर इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहां पर कौन सा मेटर है मेरा, ए इक्वल टू एलयू मेटर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन टू मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आखिर में एल होता क्या है और यू होता क्या है, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, तो आइए हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर वो है क्या। तो एल इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जो वन से शुरू होता है और एल टू वन और एल थ्री वन, ये हो गया। फिर यहां पर क्या है, जीरो और जीरो। ठीक है, यहां पर वन और एल थ्री टू, यहां पर क्या होगा जीरो और यहां पर एल, यहां पे वन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का हमारे पास एक एल मैट्रिक्स आ गया। अब हो सकता है आप इस वन की जगह एल वन वन भी मान सकते हैं और यहां पर एल टू टू और एल थ्री थ्री भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर आपको यू वैल्यू में वन पुट करना होगा, किसी एक में जो आपको इस तीनों में या इस तीनों में पुट करना होगा और बाकी अंकों में पूरा वैल्यू डालना होगा इसका। तो आइए अब हम यहां पर यू देख लेते हैं कि आखिर यू मैट्रिक्स कैसा है। एंड यू इक्वल टू, यू मैट्रिक्स कैसा होगा हमारे पास, ये तीन पे तो हमने डाल दिया एल का वैल्यू, अब बाकी बचा जो भी वैल्यू है वहां पर हम यू की वैल्यू डाल लेते हैं। वन वन यू वन टू यू वन थ्री और यहां पर क्या था वहां पे एल टू वन, तो यहां पे हम जीरो ले लेते हैं, जीरो जीरो, यहां पर एल टू टू और जीरो, यहां पे एल यू टू थ्री और यू थ्री थ्री, ये हो गया मेरा यू मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास एल एंड यू मैट्रिक्स आ गया। अब जो है हम इस दोनों मैट्रिक्स को एक समीकरण में लिखते हैं, तो क्या मतलब वन एंड टू को एक बाय वन एंड टू वी गेट। तो अब हम वन एंड टू को जो है मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास एल यू एक्स इक्वल टू बी, ये मैट्रिक्स बच जाएगा, इसलिए कि एल बच जाएगा, यू बच जाएगा और निकालना हमको एक्स की वैल्यू है किस इस मेथड से, तो एक्स को तो हमको ऐड करना होगा, तो यहां पर हम इसको भी ऐड कर लिए, तो कितना हो गया हमारे पास ये इक्वेशन थर्ड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या था, ए एक्स इक्वल टू बी और इक्वेशन टू कौन क्या था मेरा, ए इक्वल टू एल यू, और अब थर्ड जो आ गया मेरे पास एल यू एक्स, ये मैट्रिक्स आ गया। तो अब इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं और इसमें क्या वैल्यू पुट करना रहता है, तो अब हम यहां पर आगे देख लेते हैं कि किस तरह इसको हम आगे प्रोसेस में बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास थर्ड जो इक्वेशन था वो क्या था, एल यू एक्स इक्वल टू बी, यही था थर्ड थर्ड इक्वेशन मेरा, यही था ना। अब हम इसमें थोड़ा सा पुट करते हैं, कुछ वैल्यू को जो है पुट करते हैं। ठीक है, तो यू एक्स इक्वल टू वाई, अब यू एक्स इक्वल टू हम इसके जगह पे वाई पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा एल वाई मैट्रिक्स, और वाई को जो है वाई को हम क्या बोल सकते हैं, वेयर वेयर वाई इक्वल टू वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री बोल सकते हैं। ठीक है, वाई मैट्रिक्स, इसलिए कि यहां पे हमको मैट्रिक्स में काम करना है, तो सिर्फ वाई तो कोई वैल्यू हुई नहीं, तो हमको एक रो एंड एक कॉलम की मैट्रिक्स लेनी होगी, थ्री रो एंड
वन कॉलम की एक मैट्रिक्स लेनी होगी। तो हमने इस तरह का एक मैट्रिक्स लेट कर लिया, तो वाई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन मेरा क्या था, एल यू एक्स इक्वल टू बी। तो अब इसकी जगह पर तो हमने वाई पुट कर दिया, तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एल वाई, ये बच जाएगा ना। तो एल वाई इक्वल टू बी, ये इक्वेशन क्या हो गया मेरा फोर्थ, ठीक है। तो अब यहीं पर इसका और कुछ है नहीं, तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, सॉल्विंग फोर वाई। अब हम यहां पर y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इंटू इक्वेशन थर्ड एंड सॉल्व इट फॉर x। हमको निकालना किस चीज की वैल्यू थी, x की वैल्यू, और इक्वेशन मेरा जो थर्ड इक्वेशन क्या आया था, एल यू इंटू एक्स। अब हमको जहां पर एल वाई की वैल्यू मतलब y की सारी वैल्यू हमको पता चल जाएगी, एल वाई की वैल्यू, तो अब हम उस इक्वेशन में इसको जो पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से हमको x की वैल्यू मालूम चलेगी। तो किस तरह मालूम चलेगी, आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल से एक प्रॉब्लम हल करके उसमें देख लेते हैं कि किस तरह से इसका प्रॉब्लम हल होता है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो क्या कर रहा है, यूजिंग एल यू डिकम्पोजिशन मेथड टू सॉल्व द सिस्टम। अब यहां पर एक तीन इक्वेशन दे रखा है हमारे पास, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन टू एंड ये इक्वेशन थ्री, तीन इक्वेशन दिए हुआ और बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है एल यू डिकम्पोजिशन मेथड से। तो हमने आपको बताया था सबसे पहले आप ए एक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। तो क्या लेना है यहां पर, द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम, सिस्टम इज ए एक्स इक्वल टू बी, इस फॉर्म में लेना था हमको और x की वैल्यू निकालनी थी। तो इस फॉर्म में हम इसको किस तरह पुट करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास a इक्वल टू क्या, एक मैट्रिक्स है, यहां पर क्या है a इक्वल टू x की जगह पे 1, y की जगह पे 1 और z की जगह पे 1, यहां पर क्या है 3 1 माइनस 3 1 माइनस 2 एंड माइनस 5, ये हमारा a मैट्रिक्स हो गया। और b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 5 10, 1 5 10, ये हो जाएगा b इक्वल टू, और x इक्वल टू मैंने आपको बताया था x y z। तो अब हम इस फॉर्म में इसको रख सकते हैं, तो हम इस फॉर्म में इसको डाल देते हैं। तो यहां पर मेरा क्या है, a a मेरा है 1 1 1 3 1 माइनस 3 1 माइनस 2 और माइनस 5 इंटू एक्स इक्वल टू क्या है मेरा एक्स वाई जेड, और बी इक्वल टू क्या है मेरा 1 5 10। तो इक्वल टू है यहां पे, ये एक्स की वैल्यू इंटू में है और यहां पर ए की वैल्यू है। तो ये हो गया ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में पुट हो गया। अब हमको यहां पर थोड़ा सा एल मैट्रिक्स मानना होगा और यू मैट्रिक्स मानना होगा। तो यहां पर हम लेट एल इक्वल टू मैट्रिक्स, जो मैंने एल का आपको बताया था अभी, सेम वही मैट्रिक्स रख देते हैं यहां पे 1। तो मैंने वहां पे यहां पे 1 डाल के बनाया था, अभी जो है हम यहां पर यू की वैल्यू पुट करके एल 1 1 करके बना लेते हैं, इसलिए कि आपको दोनों मेथड समझ में आना चाहिए। तो एल 1 1, एल 2 1 और एल 3 1, ये हो गया। बाकी जो है मेरा 0 0, एल 2 2, 0, एल 3 2 एंड एल 3 3, ये मेरा एल मैट्रिक्स हो गया। एंड यू मैट्रिक्स मेरा क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू 1 0 0, यू 1 2, यू 1 3 और ये मेरा 1 0, यहां पर यू 2 3 एंड 1, ये हो जाएगा। वहां पर मैंने क्या किया था, इस पूरे जो मिडिल रो है, मिडिल जो था पूरे पे 1 डाला था और बाकी पे डाला था, इसमें हमने इसमें डाल दिया। मतलब आपकी मर्जी, आप इसमें डालिए या इसमें डालिए, बाद में तो हमको इनटू कराना ही है। तो अब आगे देख लेते हैं, आगे का जो मेरा इक्वेशन था वो कौन सा इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 2, एल यू इक्वल टू ए, एल यू इक्वल टू ए, यही था हमारा।
दूसरा इक्वेशन, तो अब हम इस इक्वेशन में इसको बैठा लेते हैं, हमारे पास एल की वैल्यू है, हमारे पास यू की वैल्यू है और ए की वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम इसको इसमें पुट कर सकते हैं ना, इस तरह पुट करते हैं, आइए वो देख लेते हैं। तो हमको एल एंड यू इक्वल टू ए में पुट करना था, इसी में, तो एल की वैल्यू हमारे पास मालूम है, एल वन वन, एल टू वन, एल थ्री वन और ये जीरो जीरो, यहाँ पर एल टू टू एंड जीरो, एल थ्री टू और एल थ्री थ्री, यही वैल्यू था। और इनटू यू की वैल्यू क्या थी, वन जीरो जीरो, यू टू वन, यू वन थ्री, ये वन टू है, और यहाँ पर क्या था, वन एंड जीरो, यहाँ पर क्या था, यू टू थ्री और वन, यही था। इक्वल टू हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, वन वन वन, थ्री वन वन, माइनस टू एंड माइनस थ्री एंड माइनस फाइव, यही था हमारा ए मैट्रिक्स और यू मैट्रिक्स और एल मैट्रिक्स, तीनों को मैंने एक फॉर्म में लिख दिया। अब क्या है, हमको इस दोनों को इनटू कराना है, और इनटू कराने के बाद हमको एल एंड यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसके मदद से, ए की मदद से। तो अब हम इस दोनों को इनटू किस तरह कराएंगे, आप भी जानते हैं रो एंड कॉलम से इनटू कराया जाता है, तो हम यहां पर डायरेक्ट इनटू करा देते हैं। यहां पे एल वन एल वन वन, यहां पर रो एंड कॉलम, तो इसको इससे वन से इंटू कराएंगे तो वन ही हो जाएगा, फिर यहां पर जीरो से, तो यहां पर हो जाएगा मेरा एल टू वन और यहां पर एल थ्री वन और यहां एल वन वन एंड यू वन टू, यहां पर हो जाएगा एल टू वन एंड यू वन टू प्लस एल टू टू, यहां पर क्या हो जाएगा मेरा एल थ्री वन यू वन टू प्लस एल थ्री टू, इस तरह से इंटू हम कराते जाएंगे तो हमारे पास थ्री बाई थ्री का एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, एल वन वन यू वन थ्री और एल टू वन यू वन थ्री प्लस एल टू टू और यू टू थ्री। अब यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, एल थ्री वन और यू वन थ्री प्लस थ्री टू और यू टू थ्री और प्लस एल थ्री थ्री, ये हो जाएगा। और इतना इक्वल टू क्या है मेरा, ए मैट्रिक्स। अब हम इससे और इसके कंपोजिशन में कंपेयरिंग कराएंगे, ठीक है। तो अब हम कंपेयरिंग करा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहां पे, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब हम एलिमेंट से जो है कंपेयरिंग करा रहे हैं करस्पॉन्डिंग का, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट में क्या था यहां पे, तो हम यहां पे फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉलम ले लिया हम यहां पर। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या क्या है, एल वन वन, एल टू वन एंड एल थ्री वन, फर्स्ट कॉलम में यही है। तो इसके सामने में ए की वैल्यू हमारा क्या था, वन, तो हम इसको वन लिख दिए। यहां पर क्या था, थ्री था, थ्री लिख दिए। एल थ्री वन के सामने में क्या था, वन था, तो वन रख दिए। यही हमारा जो है एल वन वन और एल टू वन और एल थ्री वन की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे फर्स्ट रो, अब इसको इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमको वन टू वन वन थ्री, यू वन टू एंड यू वन थ्री की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो यहां पे हम फिर लिख देते हैं फर्स्ट रो, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो में हमारे पास क्या क्या था, हम तो यहां पर एल वन वन की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, एल वन वन एंड यू वन टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इतना इक्वल टू कितना दिया हुआ है वहां, वन, तो हमने वन ले लिया। अब यहां पर एल वन वन की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया, कितना आया था हमारे पास, वन। अगर हम यहां पर वन पुट करके इधर डिवाइडिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यू की वैल्यू, यू वन टू की वैल्यू भी हमारे पास वन बच जाएगा, तो यू वन टू की वैल्यू आ गई। अब हमको यहां पर इस रो में क्या है, एल वन वन एंड यू वन थ्री, इसका टू कितना दिया हुआ है, इसमें भी वन दिया हुआ है, और वन वन की वैल्यू भी हमको मालूम है वन है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी वन आ जाएगी, वन थ्री इसकल टू वन। ये हो गया मेरा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का बात खत्म हो गया। अब हमारे पास चार जो है इक्वेशन बच चुके हैं, यहां पर मैंने
इसको भी निकाल लिया और इसको भी निकाल लिया, मेरे पास अब ये फोर बच गए हैं। तो अब हम सेकेंड कॉलम लेंगे, सेकेंड कॉलम में मेरा ये दोनों आ जाएगा। यहां पर 2-1 की वैल्यू हमको मालूम चल गई, 2-1 की वैल्यू मालूम चल गई, U12 की वैल्यू भी हमको मालूम चल गया, तो हमारे पास L22 की वैल्यू निकल जाएगी आसानी से। तो आप उसको फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए हम वो देखते हैं। यहां पर हमको क्या लेना है, अब सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम में क्या है मेरा L21 और U12 प्लस L22, इसका टू कितना दिया हुआ है 1, तो हम 1 ले लिए। अब यहां पर 2-1 की वैल्यू जो है कितना आई थी हमारे पास 3, तो 3 इंटू U12 की वैल्यू कितना है 1, तो 1 प्लस L2 की वैल्यू तो हमको निकालना ही है, तो ये 4। इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा 3, और इधर जाने के बाद घट के L22 की वैल्यू जो है -2 हो जाएगी, यही हो जाएगा मेरे पास। अब फिर इसमें दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ था हमारे पास, L31 U12 प्लस L32, और इसकल टू कितना था उसके सामने में, कॉरेस्पॉन्डिंग कंपेयरिंग करा रहे हैं तो सामने में क्या था -2, तो -2 ले लिए हम। अब हम यहां पर 31 की वैल्यू पुट करेंगे, 31 की वैल्यू कितना है 1, और 12 की वैल्यू कितना है इंटू 1, फिर प्लस L32, तो इसकल टू -2। अब हम इसको जो है इंटू कराएंगे 1, और इधर जाने के बाद जुड़ के कितना जाएगा 32 की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी, तो यहाँ पर हमको 32 की भी वैल्यू मालूम चल गई। अब यहाँ पर अब हम कौन सा बच गया हमारे पास इस मैट्रिक्स में, मैंने इस रो और इस कॉलम की बात कर लिया, इस कॉलम की भी बात कर ली, अब हमारे पास सिर्फ ये दोनों इक्वेशन बच गया, मतलब सेकेंड रो। अब हम इस सेकेंड रो की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसका एक क्रम होता है, ठीक है ना, पहले हम फर्स्ट कॉलम निकालेंगे, फिर फर्स्ट रो निकालेंगे, उसके बाद सेकेंड कॉलम निकालेंगे, फिर सेकेंड रो निकालेंगे। अब हम सेकेंड रो का कैसे निकालते हैं आइए वो देख लेते हैं। तो दोस्तों सेकेंड रो में जो है मेरा, सेकेंड रो में क्या है L21 और U13 प्लस L22 और U23, इसकल टू क्या था उसके सामने में -3, यही था। अब हम इसको सबकी वैल्यू जो हम निकाले थे वो डाल देते हैं, कितना हो जाएगा L21 की वैल्यू कितना थी 3 इंटू U13 की वैल्यू कितना थी 1, फिर प्लस L22 की वैल्यू कितना आया था मेरे पास -2, और U23 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो इस सबको जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -2 U23 = -3 और -3, कितना आ जाएगा। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो U23 = 3 आ जाएगा, इसलिए ये 6 हो जाएगा और इधर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास U23 की भी वैल्यू मालूम चल गई। अब हमको थर्ड कॉलम का लेना है, थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा मेरा, थर्ड कॉलम में क्या था हमारे पास इक्वेशन L31 U13 + L32 U23 + L33 इसका टू क्या था इसके सामने -5 दे दिए। अब हमको सबकी वैल्यू मालूम है, सिर्फ L33 की वैल्यू नहीं मालूम है, तो यही वैल्यू हमको निकालना है। तो यहां पर अब हम किस तरह निकालेंगे, L31 की वैल्यू कितना है 1, U13 की वैल्यू कितना है 1, और प्लस यहां पर L32 की वैल्यू कितना आई थी मेरे पास -3, और U23 की वैल्यू कितना आया था 3, और L33 = -5। अब हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास -8 + L33 = -5, तो L33 = कितना हो जाएगा मेरे पास 3। तो यहां पर सारे रो एंड सारे कॉलम की वैल्यू निकल चुकी है। तो एल मैट्रिक्स मेरा क्या था उसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, एल मैट्रिक्स में हम अपना वैल्यू जो है डाल देते हैं, -2 and 0 1 -3 and 3, यही आया था हमारे पास वैल्यू। एंड यू मैट्रिक्स में क्या आया था, सबके जगह पे जहां जहां भी हमारे पास U11 की जगह पे कितना U11 की वैल्यू आई थी 1 पुट कर दिए, U12 की वैल्यू कितना आया था 1, तो 1 डाल दिए, U13 की वैल्यू कितना आया था 1, तो 1 डाल दिए, ये सब तो मेरा 0 था, और U22 की वैल्यू कितना आया था 1, और U23 की वैल्यू 3 आई थी, तो 3 लिख दिए और 0 1। ये हो गया दोस्तों हमारा एल एंड यू मैट्रिक्स तैयार। अब हमको
एल वाई स्क्वल टू बी, थर्ड जो हमारा इक्वेशन था, क्या था हमारा थर्ड इक्वेशन, एल वाई स्क्वल टू बी, यही था। अब हमने एल की वैल्यू हमारे पास मालूम है, वाई की वैल्यू मैंने आपको बताया था, वाई स्क्वल टू क्या होता है, वाई स्क्वल टू वाई वन वाई टू वाई थ्री। अब जो है ये पुट करके स्क्वल टू बी, बी भी हमको मालूम था, बी मैट्रिक्स। अब हम उस पर डाल के हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जिस तरह से हमको वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, बस हम इक्वेशन में डाल के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब हम देख लेते हैं, तो इस इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं, तो हम यहां पर एल वाई स्क्वल टू बी में पुट करने वाले थे, तो एल हमारा कितना था, एल मैट्रिक्स जो आया था मेरा, हम वहां पे इसको नोट कर लेते हैं, वन थ्री वन और जीरो जीरो, माइनस टू माइनस थ्री एंड जीरो थ्री, ये आया था हमारे पास एल मैट्रिक्स। अब हम इसको जो है वाई वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री स्क्वल टू बी मैट्रिक्स मेरा क्या था, वन फाइव एंड टेन, यही था ना। अब हम इससे वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह, इससे इसको इनटू करा के, तो वन, तो वाई वन मेरा कितना हो जाएगा वन, किस तरह यहां पर देख लेते हैं, वन वाई वन स्क्वल टू वन, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहां पर थ्री वाई वन प्लस माइनस टू वाई टू स्क्वल टू फाइव हो जाएगा, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। और यहां पर थर्ड y1 माइनस थ्री वाई टू और प्लस थ्री वाई थ्री स्क्वल टू टेन, ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, y1 फर्स्ट इक्वेशन को हम पहले हल करेंगे, तो y1 स्क्वल टू मेरा वन हो जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन में हम y1 की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो y2 मेरा कितना हो जाएगा, y2 स्क्वल टू माइनस वन हो जाएगा। अब हम यहां पर थर्ड इक्वेशन में y1 और y2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास y3 की वैल्यू निकल जाएगी, तो y3 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, टू, ये निकल जाएगी। तो हमारे पास y इक्वल टू क्या मैट्रिक्स था, y1 y2 y3, तो 1 माइनस 1 एंड 2, ये मैट्रिक्स मिल गया हमारे पास, तो हमने y की वैल्यू भी निकाल ली। तो यहां पर सिंपल था, किस तरह से निकला आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं फिर और अच्छे से डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अब मेरा जो अगला था, हमने अभी तक तीन, यहां पर थर्ड जो है निकाल लिया थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन मेरा क्या था, यू एक्स इक्वल टू वाई, यही मेरा लास्ट स्टेप था फोर्थ, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो अब हम यू की वैल्यू भी हमको मालूम है, एक्स की वैल्यू मालूम है, और वाई की वैल्यू हमको अभी अभी हमने निकाला, तो इससे हमको एक्स की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो अब हम इस मैट्रिक्स में इसको पुट करते हैं, तो क्या था मेरा यू का वैल्यू, वन 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 जीरो जीरो वन थ्री जीरो वन, ये था मेरा यू वैल्यू। और एक्स का क्या था मेरा, एक्स वाई जेड, ये मैट्रिक्स था। और वाई का अभी अभी मैंने निकाला, वन माइनस वन एंड टू। अब जो है हम इसको उसी तरह हल करेंगे जिस तरह से वाई का वैल्यू फाइंड आउट किए थे, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, यहां पर क्या हो जाएगा मेरा, वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू माइनस वन और जेड इक्वल टू टू, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट टू एंड थर्ड। अब हम इसको जो हल करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको हम किस तरह हल करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या था, वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू माइनस वन, यही था। अब इसमें जो है जेड की वैल्यू कितना आई थी, जेड इक्वल टू टू आ गया था, थर्ड इक्वेशन मेरा सीधा जेड इक्वल टू टू आ गया था। अब यहां पर हम टू पुट करके वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, वाई प्लस थ्री इंटू टू इक्वल टू माइनस वन, कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस वन और माइनस सिक्स, तो वाई इक्वल टू माइनस सेवन। तो वाई की वैल्यू भी मालूम चल रही है हमको, तो जेड की वैल्यू कितना, टू, वाई की वैल्यू माइनस सेवन। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन था। अब हम यहां पर दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, माइनस सेवन, और जेड की वैल्यू कितना है, टू इक्वल टू वन, तो कितना हो जाएगा इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो x इक्वल टू वन प्लस फाइव, तो x इक्वल टू सिक्स। तो हमारे पास क्या हो गया, x y z का जो वैल्यू है, यहां पर x इक्वल टू क्या निकल गया, x की वैल्यू सिक्स और y की वैल्यू माइनस सेवन और z की वैल्यू टू, यही फाइंड आउट हमको जो करना रहता है। तो आज हमने LU decomposition method भी सीख लिया। तो आइए अब अगला जो टॉपिक होगा मेरा वो गॉस जोकोविक मेथड होगा, ठीक है।
तो उससे हम किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।